फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड की बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई, जिसे कि आप एक बार खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने लिए हुए ये 5 से 6 ब्रेड, देख सकते हो आप। आपको ज़्यादा ब्रेड की ज़रूरत नहीं होगी, ये 5-6 ही ब्रेड आपके लिए काफ़ी होंगे। और अब आपको एक एक ब्रेड इसमें से निकालना है और इसे बीच में से कट कर लेना है। इस प्रकार का गिलास, कटोरी, कोई कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखिए, इस प्रकार मैं इनकी गोल कटिंग कर लेती हूँ। और जो ये ब्रेड एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, इनके आप क्रम्स बना लीजिएगा। तो देखिए, मैं सभी को इसी तरह बीच में से अलग अलग कट के अपनी प्लेट में रख लूँगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी यह मिठाई बनाना पसंद करोगी, उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रेड ले सकते हो। तो देखिए, आप देख सकते हो मैंने 6 ब्रेड्स की रोल बना के इसे निकाल लिया है। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड आपके पास ब्रेड की बचे हुए हैं, उन्हें आप, जिसकी मैंने आपको बताया था, इन्हें आप क्रम्स बनाकर भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसे मैं एक साइड में रख लेती हूँ। और उससे पहले मैं अपनी गैस पर एक गिलास पानी रख लेती हूँ, क्योंकि इसी की हमें बनानी है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने ली हुई है अब 1 कटोरी चीनी। तो मैं इसमें अब 1 कटोरी के अकॉर्डिंग चीनी डाल दूँगी। और इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। तो देखिए, मैंने फूड कलर लिया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 पिंच, जिससे कि बस इसका कलर येलो हो जाए। और अब अपनी चाशनी को बॉईल होने देती हूँ। देखिए, हमारी चाशनी जब तक बन रही है, तब तक हम एक साइड में अपनी एक खाली कटोरी लेते हैं और कटोरी में डालेंगे फ्रेश मलाई। तो फ्रेंड्स, आप मलाई ताज़ी ही लें। तो देखिए, मैंने ताज़ी मलाई 2 चम्मच इसमें डाल ली है। ये बिल्कुल आज के दूध की फ्रेश मलाई है। और ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप काजू का बुरादा भी ले सकते हो। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और फ्रेंड्स, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो कि आप खाना पसंद करते हो, उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए, इसका मैं बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप अंदर के मिक्सचर का भी आप कलर चेंज करना चाहते हो, तो इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत फूड कलर मिला सकते हो। लेकिन मुझे ये बिल्कुल वाइट ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसे वाइट ही रखती हूँ। और अगर आपको इसका कलरफुल बनाना है, तो आप इसमें चॉकलेट पाउडर या फिर कलर फूड भी डाल सकते हो। तो देखिए, यह कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब हम लेंगे इस प्रकार से ब्रेड और इसे अपने ब्रेड पर रखकर चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो यह कितना टाइट और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और दूसरा जो ब्रेड है, इसके ऊपर मैं रख दूँगी और इसे हल्के से दबा दूँगी। देखिए, इसी प्रकार आपको एक एक करके सभी को तैयार कर लेना है। तो फिर से हम इस प्रकार उठाएँगे इसमें से और इसके ऊपर रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी बॉईल हो चुकी है, हम इसे भी बंद कर देते हैं और अपनी चाशनी को ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने ब्रेड की है मिठाई तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो मैंने बीच में फिर से भर दिया है। वो फिर से मैं इसी प्रकार अपना एक रोल उठाऊँगी और इसमें भी इसी प्रकार अपनी मलाई दूँगी। देखिए, तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने सभी को इसी प्रकार तैयार कर लिया है। और अब हम थोड़ी देर के लिए अपनी जो हमने चाशनी बनाई है, उन्हें ठंडी होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो एक तरफ मैंने अपनी चाशनी बना ली है और दूसरी तरफ मैंने अपनी जो मिठाई बनाकर रख रखी है, उसे हम हल्का सा इसमें डिप करेंगे। आपको इसे ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही दोनों तरफ से अच्छे से इसे डिप कर लेना है। देखिए, आप देख सकते हो इस प्रकार मैं इसे डिप करके अपना, ये मैंने नारियल का बुरादा लिया हुआ है, इसमें इसे दबा लूँगी और चारों तरफ से अच्छे से इस पर लगा लूँगी अपना नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये ना हो, तो अगर आपके पास घर में गोला हो, तो उससे भी आप ये बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, इसी प्रकार मैं सभी को इसी में अपनी चाशनी में पहले डिप करूँगी और फिर नारियल के बुरादे में हल्का सा निकाल दूँगी। आपको इसे ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं डिप करना है, बस एक बार इसे डुबोना है और निकाल देना है। अगर ज़्यादा देर डिप करोगे तो आपके ब्रेड हैं जो वे टूट जाएंगे। और इस प्रकार आपको निकाल कर इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैंने नारियल के बुरादे में डिप करके इसे अपनी मिठाइयों को रख लिया है। फ्रेंड्स, यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके गार्निश के लिए आप इसके ऊपर काजू बादाम या फिर अपनी इसी चाशनी का टिक्का भी लगा सकते हो। मैं इसे आपको इसी प्रकार दिखा रही हूँ, देखिए। और इस पर डालूँगी मैं अब थोड़ा थोड़ा अपनी यह
एक एक दो दो चेरी, ये ऑप्शनल अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा, नहीं है तो आप ऐसे ही नहीं इंजॉय कर सकते हो, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्ट और बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गार्निश के लिए इसके ऊपर लगा दी है अपनी चेरी। फ्रेंड्स बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, आप इस मिठाई को एक बार खाएंगे तो आप बार बार खाएंगे बनाकर, यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इनमें से आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनमें से एक आपको बीच में से तोड़ के दिखाऊंगी, यह कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखिए अंदर से जो इसका मेथड है वो कितना भरा रस भरा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगले न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।